हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं इंस्टाग्राम का लॉगिन पेज हम कैसे बना सकते हैं विथ हेल्प ऑफ HTML CSS के थ्रू, मतलब इन दोनों लैंग्वेज का यूज़ करके हम एक बेहतर तरीके से HTML लॉगिन पेज या फिर इंस्टाग्राम लॉगिन पेज हम बना सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं। इसके लिए हम यहाँ सबसे पहले मैं यहाँ पर विजुअल स्टूडियो कोड में जो है टाइप कर रही हूँ। ओके, तो मैंने इसको पहले से ही टाइप कर लिया है, तो मैं आपको इसको बता देती हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले एक बॉडी टैग जो एट्रीब्यूट्स हैं उसमें एक S3 हेडिंग टैग लिया है, उसमें लिख दिया है इंस्टाग्राम लॉगिन। ओके, उसके बाद हम एक डिव बनाएंगे जो हमारा मेन वर्क होगा, उस डिव के ऊपर होगा। तो मैं यहाँ पर डिव बना दूंगी और उसकी क्लास जो है यहाँ पर दे देंगे यहाँ पर मेन, और एक इनपुट बटन बनाएंगे जिसका टाइप हम देंगे टेक्स्ट, और इसकी क्लास दे देंगे txt1। और इसमें प्लेस होल्डर का क्या मतलब होता है कि हम जो भी उस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर वैल्यू को शो करना चाहते हैं वो हम यहाँ पे टाइप करेंगे। तो यहाँ पे हम जैसे फ़ोन नंबर हो गया, यूज़र नेम और ईमेल आईडी हम यूज़र से लेना चाहेंगे इनपुट। तो यहाँ पे हमने लिख दिया ये। फिर हम यहाँ पे दो ब्रेक लाइन लगा देंगे BR टैग, और उसके बाद हम यहाँ पे फिर एक इनपुट बॉक्स बनाएंगे जिसमें पासवर्ड जो है वो टाइप कर लेंगे। और पासवर्ड के लिए यहाँ पे मैंने पासवर्ड लिख दिया है और क्लास बना दी है इसकी PSW, और प्लेस होल्डर इसमें कर दिया है पासवर्ड, क्योंकि हमें यहाँ पे सिर्फ रिक्वायरमेंट है पासवर्ड की। ओके, फिर हम यहाँ पे एक बना देंगे BR टैग। देन हम एक और बनाएंगे, जब हमारा यूज़र नेम और पासवर्ड आ जाएगा तो हम उसको क्या करेंगे, सबमिट करेंगे। तो सबमिट करने के लिए या फिर लॉगिन होने के लिए हमारे पास एक बटन होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक इनपुट टाइप बटन जो है वो बना लेती हूँ। तो टाइप में कर देंगे हम बटन, और क्लास इसकी BTN1, और वैल्यू इसकी कर देंगे लॉगिन। अब यहाँ पे मैंने प्लेस होल्डर ना देखे, मैंने यहाँ पे वैल्यू दी है, ठीक है। प्लेस होल्डर यानी क्या होता है कि हम यहाँ पे जो भी यूज़र से इंटरेक्शंस के लिए पूछना चाहते हैं तो उसके लिए हम यहाँ पे लगाएंगे, और वैल्यू क्या होती है कि हम यहाँ पे वैल्यू क्या शो करवाना चाहते हैं। ओके, देन हम इसके बाद यहाँ पे एक इनपुट टाइप और ले लेंगे, और यहाँ पे txt text के लिए ले लेंगे। देन यहाँ पे इस क्लास बना देंगे BTN2, और वैल्यू इसकी दे देंगे और। ओके, जैसे लॉगिन पेज में होता है यूजर नेम पासवर्ड और लॉगिन। उसके बाद एक और नीचे एक और ऑप्शन आता है और का, और उसके बाद हमारे पास आता है जैसे हमें कोई फॉरगेट पासवर्ड वगैरह करना हो तो उसके लिए हम यहाँ पे एक ए टैग जो HREF हमारा हाइपरलिंक के लिए होता है उसको हम बनाएंगे। तो HREF करके और हैश लगा देंगे। फिलहाल मैं आपको इस फॉर्मेटिंग के लिए बता रही हूँ। तो यहाँ पे हम लिख देंगे फॉरगेट पासवर्ड, और उस टैग को बंद कर देंगे। फिर हम ये डिव के जो है बाहर आएंगे, देन हम यहाँ पे एक और डिव बनाएंगे जिसकी क्लास दे देंगे हमें फुटर, और यहाँ पे हम एक लाइन टाइप करेंगे डोंट हैव एन अकाउंट। जैसे हमारे पास ऑप्शन मिलता है लॉगिन के बाद, अगर हमारे पास हम न्यू हैं उसमें, तो हम एक नया अकाउंट बनाने के लिए यहाँ पे एक साइन अप बटन जो है वो दे देंगे, या फिर साइन अप लिंक जो है वो हम दे देंगे यूज़र को। तो इस टाइप से जो है हम ये टाइप कर सकते हैं। ओके, अब इसके ऊपर हम वर्क करते हैं थोड़ा CSS का। तो CSS में वर्क करने के लिए हमारे पास कुछ फॉर्मेटिंग दी रखी है। तो सबसे पहले मैं बॉडी टैग है उसका जो बैकग्राउंड है उसको उसको चेंज कर लेते हैं। तो बैकग्राउंड कलर लगा दिया है मैंने, आप अपने हिसाब से कुछ भी कलर जो है वो टाइप कर सकते हैं। बैकग्राउंड कलर देने के बाद यहाँ पे हम एक H3 जो हमारा हेडिंग थी फर्स्ट स्टार्टिंग में इंस्टाग्राम लॉगिन, तो उसकी स्टाइल हम यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल दे देंगे इटैलिक। देन कलर इसका दे देंगे हमें वाइट, एंड बैकग्राउंड कलर जो है वो यहाँ पे अपने हिसाब से दे सकते हैं। देन टेक्स्ट अलाइन चीज मैं इसका कर देती हूँ सेंटर। ओके, ये फॉर्मेट करने के बाद हम यहाँ पे जो हमारी मेन डिव की क्लास बनाई थी डॉट मेन नाम से, तो उसमें हम कुछ फॉर्मेटिंग करेंगे। जैसे इसकी बॉर्डर जो है वो हम दे देते हैं 1 pixel सॉलिड एंड पर्पल कलर। देन हम यहाँ पे देंगे टेक्स्ट अलाइन इसका कर देंगे सेंटर, और टॉप इसका कर देंगे 30 pixel। डिस्प्ले क्या होता है कि हम यहाँ पे हमारा जो बॉक्स है वो कितना शो होना चाहिए। ओके, तो ये हमारा इनलाइन ब्लॉक कर दिया है।
देन हम यहाँ पे मार्जिन लेफ्ट इसका 250 पिक्सल एंड बैकग्राउंड कलर जो है हम यहाँ पे वाइट कर देंगे। फिर हम आते हैं हमारे टेक्स्ट बॉक्स में एडिटिंग के लिए, तो यहाँ पे .txt1 नाम से जो हमने एक क्लास बनाई थी तो उसको यहाँ पे टॉप जो हम इसका दे देंगे 20 पिक्सल। देन यहाँ पे मार्जिन जो है हम यह दे देते हैं 10 पिक्सल, पैडिंग इसका देते हैं 5 पिक्सल्स एंड विड्थ इसकी दे देते हैं 250 पिक्सल एंड इसकी हाइट जो है हम यहाँ पे 10 पिक्सल दे देंगे। ओके उसके बाद हम यहाँ पे पासवर्ड जो टेक्स्ट बॉक्स बनाया था उसके लिए भी कुछ कोड जो है वो लिख लेते हैं। तो .pws नाम से क्लास बनाई थी और उसका मार्जिन जो है हम यहाँ पे दे देते हैं 10 पिक्सल, पैडिंग जो है यहाँ पे 5 पिक्सल्स एंड विड्थ इसकी 250 पिक्सल्स एंड हाइट इसकी 10 पिक्सल, मतलब जो दोनों बॉक्स हैं हमारे वो सेम साइज एंड सेम पिक्सल्स के होने चाहिए। ओके तो उससे हमारा लुकअप जो है अच्छा आएगा। देन यहाँ पे बटन जो हमने बनाए थे उसके ऊपर भी कुछ एडिटिंग वगैरह कर लेते हैं। तो .btn1 नाम से मैंने क्लास बनाई थी उसकी विड्थ हम यहाँ पे दे देते हैं 250 पिक्सल एंड हाइट इसकी 20, कलर इसका वाइट दिया है मैंने एंड बैकग्राउंड कलर इसे ब्लू। ओके देन अब इसके बाद हम जो यहाँ पे दूसरे बटन पे भी सेम कर लेंगे टेक्स्ट जो फॉर्मेटिंग है वो, तो विड्थ इसकी मैंने कर दी है 20 पिक्सल्स एंड टेक्स्ट अलाइन इसका कर देते हैं सेंटर एंड बॉर्डर इसका कर देते हैं नन। ओके मतलब और जो हमने वो बनाया था उसके हमें बॉर्डर नहीं चाहिए तो हमने यहाँ पे नन कर दी। और ए टैग जो है हमारा जो हमने बनाया था उसकी हम जो टेक्स्ट डेकोरेशंस है जो हमारे पीछे टेक्स्ट के नीचे जो लाइन आती है उसको हम यहाँ पे नन कर देंगे। और जो हमारा लास्ट फुटर था उसको हम यहाँ पे सेंटर जो है वो अलाइन सेंटर कर देंगे, अलाइन इसका सेंटर। तो इस टाइप से जो है हम यहाँ पे फॉर्मेटिंग कर सकते हैं अपने इंस्टाग्राम लॉगिन पेज की। आई होप आपको ये पेज जो है वो समझने में या फिर आसानी होगी। लेट्स सी हमारा वेब पेज कैसा दिखता है। तो हमारा इंस्टाग्राम जो लॉगिन पेज है वो कुछ इस टाइप से हमें शो हो रहा है। यहाँ पे हमने फर्स्ट जो प्लेस होल्डर किए थे फ़ोन नंबर, यूज़र नेम एंड ईमेल आईडी, देन हमारे यहाँ पे पासवर्ड एंड लॉगिन बटन जो है वो हमें शो हो रहा है और जो ऑप्शंस है ठीक है, और फॉरगेट पासवर्ड एंड डोंट हैव एन अकाउंट साइन अप। तो इस टाइप से जो है हम एक लॉगिन पेज इंस्टाग्राम का बना सकते हैं विथ हेल्प ऑफ HTML ओनली CSS। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और मैंने इसकी शॉर्ट वीडियो भी आपको बना रखी है तो आप वो भी जाके देख सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।